मुंगेली जिले में नर्सिंग होम एक्ट की धज्जियां उड़ाकर बेखौफ मरीजों को लूटने और उसकी जान से खिलवाड़ का खेल जारी है। आलम यह है कि बिना विशेषज्ञ निजी अस्पतालों में ऑपरेशन जारी है। कमीशन के लिए सरकारी डॉक्टर भी यहां ऑपरेशन कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के प्रभाव वाले जिले में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लाइफलाइन अस्पताल में ही बिना स्त्री रोग विशेषज्ञ प्रसव और गर्भाशय निकालने के ऑपरेशन हो रहे हैं। जिला कलेक्टर पीएस एल्मा ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मीटिंग लेकर निजी क्लिनिक और अस्पतालों में कड़ाई से नर्सिंग होम एक्ट का पालन कराने के निर्देश जारी किए। स्वराज एक्सप्रेस ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। स्वास्थ्य विभाग ने कई बिंदुओं की जांच रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी, जिस पर कार्रवाई नहीं हुई। कलेक्टर पीएस एल्मा ने कोविड-19 का हवाला देते हुए कार्रवाई करने में देर होने की बात कही है। हाँ, अभी कुछ आपके नर्सिंग होम में कार्रवाई हुई है, कुछ में हमने जांच पड़ताल में ठीक पाया है, उसको उसको खोलने का भी आदेश दिया है। इसके साथ साथ चूंकि हमारा सारा स्वास्थ्य अमला है वो कोविड के सेक्टर में लगा हुआ है, तो इसमें हमने धीरे से अभी उसको स्टॉप किया है कि जब ये हमारा कोविड का पोर्शन खत्म हो जाएगा उसके बाद हम इसमें सारे नर्सिंग होम में अच्छे से काम करेंगे और जो अवैध रूप से संचालित किए जाए उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए।